तो बात करते हैं वन प्लस टेन प्रो की। तो इसमें आपको तीन मॉडल को मिल जाते हैं। बेस वेरिएंट आपका 8GB रैम 128GB इंटरनल, मिडिल वाला आपको देखने को मिल जाता है 8GB रैम 250GB इंटरनल, और सबसे टॉप आपको जिनको मिलता है 12GB रैम आपको 250GB इंटरनल। इसमें आपको तीन कलर ऑप्शन अभी देखने को मिल जाएंगे, एक है आपका ग्रीन, ब्लैक और व्हाइट। वैसे जब इंडिया में आगे आपको और भी कलर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बात करते हैं हम इसकी बैक की। इसमें वो ग्लास बैक इनको मिल जाती है, मैट फिनिश आपको ये फोन इनको मिलता है, और इसमें आपको मेटल के फ्रेम इनको मिल जाती है। इसकी डिजाइन काफी अलग आपको इनको मिल जाती है। और इसमें आपको बाकी चीज अगर वेट की बात करें, इसमें आपको 200.5 ग्राम का इसका वेट निकल के आया है, जो एक तरह से आप 200 माननी काफी ज्यादा अच्छा वेट इनको मिलता है, मतलब काफी एक्सेसिव नहीं आपको इनको मिलता। थोड़ा आपको ग्लास के साथ थोड़ा हैवी इनको मिलेगा, लेकिन आपको एक्सेसिव वेट इनको नहीं मिलने वाला है। फिर बात तो 8.6 फोन इनको मिल जाता है, जो कि काफी मतलब कि ना बहुत आपको थिकनेस वाला फोन देखने में जाता है, काफी ज्यादा मतलब इसका स्लिम भी देखने को मिलता है, वेट भी काफी ज्यादा मुझे कुल मिला है। बिल्ड क्वालिटी अगर बैक की बात करें तो काफी ज्यादा प्रीमियम आपको देखने को मिल जाता है वन प्लस टेन प्रो में। तो बात करते हैं अभी उनकी सिम ट्रे की। इसमें आपको सिर्फ 2 नैनो सिम कार्ड का ऑप्शन अवेलेबल है। आपको अच्छी बात है कि बेस वेरिएंट पे आपको 128GB इंटरनल आपको देने को मिल जाता है, और इसमें मुझे बॉक्स के अंदर तो इसमें आपको बॉक्स के अंदर आपको कवर भी देने को मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी का आपको इसमें कवर देने को मिलता है। और इसमें आपको फोन में स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिल जाएगा, जिससे आपके फोन में स्क्रैच वगैरह नहीं आएंगे। और इसमें आपको एलेक्स राइडर देने को मिल जाता है, बाकी जो सार के जिसमें आपको होता है इसमें आपको मेटल के फ्रेम देने को मिल ही जाते हैं। इसमें आपको 3.5 हज़ार देने को नहीं मिलता, जैसे कि आपको पता है कि मिड रेंज हो गया फ्लैगशिप फोन होते हैं, इसमें आपको बहुत रेयरली आपको फोन में 3.5 हज़ार देने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको वो चीज़ आपको देने को नहीं मिलती है। बात करते हैं बायोमेट्रिक्स की, तो इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक भी ऑप्शन अवेलेबल है। दोनों चीज़ें लिटरली काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और काफ़ी तेज पर करते हैं। तो बात करते हैं बस उनके सॉफ्टवेयर की। इसमें वो कलर वेस 12.1 देखने को मिल जाता है, और ये आपका लेटेस्ट एंड्रॉइड आपको देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात आपको देखने को मिल जाती है। खैर आपको पता है कि पहले जो वन प्लस के फोन आते थे उसमें आपको ऑक्सीजन ओएस देखने को मिलता है, लेकिन जब से ओप्पो और वन प्लस मर्ज हुए तब से आपको ये पहला फोन देखने को मिल जाता है जिसमें आपको कलर ओएस देखने को मिलता है। खैर कलर ओएस भी बुरा नहीं है, लेकिन जो वन प्लस जाना जाता था अपनी जो अंदर ओएस के लिए काफी ज्यादा बढ़िया उनके सॉफ्टवेयर होते थे। ऐसा नहीं कि आपको उसमें कोई खराब देखने को मिल जाती, ये भी काफी ज्यादा फास्ट है, काफी स्मूथ भी चलता है, कोई भी फालतू के ब्लूटूथ इनको नहीं मिलते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की जो बात है वो अलग ही थी। खैर ये आपको काफी ज्यादा स्मूथ देने को मिलता है, काफी ज्यादा इसमें स्मूथनेस इनको मिलती है, उसके साथ आपको इसमें काफी ज्यादा क्लीन ना ब्लूटूथ ना कोई फालतू के ऐड ना कि फालतू के ऐप इनको मिलते हैं, और जो ऐप आपको देने को मिलेंगे भी उसको अपने अकॉर्डिंग रखने से आप उसको इंस्टॉल भी कर पाएंगे। और बात करते हैं रैम और स्टैप की, तो इसमें आपको LPDDR5 रैम इनको मिल जाती है, स्टोरेज आपको UFS 3.1 इनको मिलता है। तो बात करते हैं इस फोन की कनेक्टिविटी की, तो इस फोन में आपको ब्लूटूथ 5.2 वाईफाई 6 डुअल बैंड वाईफाई डुअल 4G वोल्ट, और इस फोन में आपको NFC GPS वगैरह सारी आपको कनेक्टिविटी फीचर आपको देने को मिल जाते हैं। और ये फोन आपका 5G भी है, फीचर में 5G है, मतलब आपको 22 में आपको 5G इनको मिल जाएगा, तो आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से इसमें इस्तेमाल कर पाएंगे। और बात करते हैं बाकी चीज़ की, इसमें आपको वाइड एवन L1 और कैमरा टू AP का भी सपोर्ट इनको मिल जाता है, मतलब कि HD स्ट्रीमिंग हो गया, Amazon प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, आप HD में स्ट्रीम कर पाएंगे, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात आपको मिल जाता है, जी का भी सपोर्ट इनको मिलता है। तो बात करते हैं अब इस फोन की डिस्प्ले की, इसमें आपको 6.7 इंच की फुल HD आपको LTPO2 AMOLED आपको डिस्प्ले को मिल जाती है, और ये आपकी 120Hz आपके हिसाब से रिफ्रेश रेट को मिल जाता है, काफी ज्यादा बढ़िया आपके रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले देने को मिलती है। इसमें आपको HD को मिलता है, और ये 10 बिट वाली डिस्प्ले को मिलती है, काफी ज्यादा बढ़िया कैटेगरी आपको डिस्प्ले को मिल जाती है। इसमें आपको गोल्डन प्लस बिट्टा को मिल जाता है, जिससे आपको फोन गिर जाए तो बैक ऑफ फ्रंट दोनों ही फोन प्रोटेक्टेड रहेगा, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। और बात करते हैं इसकी ब्राइटनेस की, इसमें आपको 1300 की पीक ब्राइटनेस को मिल जाती है, आउटडोर विजिबिलिटी इंडोर विजिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़िया आपको देने को मिल जाती है। और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात, इसमें आपको 90% जो ऊपर ही देखने को मिलता है, ऊपर और नीचे की जो चिन होती है साइड के जो बेजल होते हैं काफी ज्यादा पतले आपको देने को मिल जाते हैं। और ये फोन आपको स्टार्टिंग आपको थोड़ा डिस्प्ले में मामले में आपको थोड़ा कम भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा एड कर देता है। और इसके डिस्प्ले में आपको ये लेफ्ट पंचर वाला पैनल आपको छोटा सा सेल्फी कैमरा देने को मिल जाएगा, जो काफी देर इसकी डिस्प्ले को और रिस्पॉन्सिव काफी ज्यादा बढ़िया प्रीमियम कैटेगरी इसके डिस्प्ले को बना देता है। तो बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, इसमें आपको मिल जाता है कॉल कॉम स्टार्टिंग 8 Gen 1, ये 4nm वाला है, काफी ज्यादा प्रीमियम कैटेगरी का आपको ये चिपसेट इनको मिलता है। डे टू लाइफ के लिए आपको इनफ इनको मिलता है, लेकिन हम बात करते हैं गेमिंग की, तो इसमें आप हाईएस्ट सेटिंग में आप HDR में सेट करके आप इसमें कोई भी गेम खेल लीजिए, आप इसमें अमंगस खेल लीजिए, या आप खैर वो अभी
आउट ऑफ गेम बहुत रियली लोग खेलते हैं। इसमें आप बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया खेल लीजिए या फिर इसमें आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेल लीजिए, आप कोई भी आप गेम खेलिए बहुत बढ़िया तरह से, बढ़िया बिना कोई लैग के बिना कोई फ्रेंड के बहुत अच्छे तरीके से आप खेल पाएंगे। और फिर बात करते हैं हीटिंग शू की, तो खैर पर्टिकुलर इस फोन की अगर बात करें, इस फोन में आपको हीटिंग शू बहुत फ्लाइटी आपको हल्का सा देने को मिलता है, एक्सेसिबिलिटी इस फोन में नहीं होता। खैर इसमें आपको कूल टेक्नोलॉजी देने को मिल जाती है जिसकी वो बहुत अच्छा वर्क भी करता है, जिससे आपको हीटिंग बहुत एक्सेसिव हीटिंग नहीं होती है। अगर हम बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी को मिल जाती है और इसमें आपको 80 वॉट का आपको इनबॉक्स आपको चार्जिंग देने को मिल जाता है, 50 वॉट की आपको वायरलेस चार्जिंग देने को मिल जाती है। बहुत कमाल की आपको कॉम्बिनेशन देने को मिल जाता है जिसमें आपको 5000 mAh बैटरी और 80 वॉट का आपको चार्जिंग एडिशन को मिलता है, जो ये क्लेम करता है आपके 40 मिनट में आपके फोन को फुल चार्जिंग कर देगा। तो बात करते हैं सोनी कैमरे की, तो बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देने को मिल जाता है। प्राइमरी लेंस आपको 48 मेगापिक्सल का हैसलबर्ड वाला लेंस देने को मिल जाता है, उसके बाद आपको 50 मेगापिक्सल आपको अल्ट्रा वाइड देने को मिलता है, जिसमें आपको 150 की आपको फील्ड ऑफ व्यू देने को मिल जाता है, जो एक काफी आपको वाइड फोटो आपको निकाल के दे देगा। उसके बाद आपको 8 मेगापिक्सल आपको टेलीफोटो देने को मिलता है, वहां पर आपको 3x ऑप्टिकल जूम करवाएंगे, उसमें आप काफी देर कमाल का आपको लेंस देने को मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो इस फोन से आप 8K में आप 30 FPS में वीडियो कर पाएंगे, उसके बाद 4K में 30 FPS 60 FPS 120 FPS में वीडियो कर पाएंगे। करते हैं हम कैमरा ऐप के फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको HDR हो गया, पेनोरामा हो गया, पोर्ट्रेट हो गया, स्लोमो हो गया, नाइट मोड हो गया, और इसमें आपको कमाल के और भी AI वाले फीचर आपको देने को मिल जाएंगे। और बैक में से जो रिंग लाइट है वहाँ पे आपको 3 तरीके के LED फ्लैश में को मिल जाते हैं, लेकिन इसमें आपको सर्कल शेप आपको देने को मिलता है, जो काफी देर बैक से आपको अच्छा देने को लगता है। अगर बात करते हैं यहाँ पे सेल्फी की, तो यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देने को मिल जाती है, यहाँ पे आप 1080p में EIS पे बैक फ्रंट दोनों में आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के ऑप्शन को मिल जाते हैं। यहाँ पे अभी आपको EIS को मिल जाएगा सेल्फी में, और बैक में आपको EIS OIS देने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट ब्यूटी नेट मोड से बहुत सारे और भी बैक फ्रंट दोनों में देने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं पर्टिकुलर कैमरा ऐप की और फोटोज वगैरह की, तो इसमें बहुत कमाल की प्रीमियम और शार्प डिटेलिंग वाली और डायनेमिक सेल्फी में काफी प्रीमियम क्वालिटी के साथ फोटोज और वीडियो वगैरह क्लिक कर पाएंगे। तो बात करते हैं फोन की प्राइस, इसमें आपको 8GB रैम 128GB इंटरनल इसकी जो प्राइस निकल के आया है वो 4299 योन निकल के आया है। उसको इंडिया में कन्वर्ट करके मैं बताऊं तो ये आपको इंडिया में देने को मिलेगा 52 से 53,000 रुपीज के बीच का। और बात करते हैं 8GB रैम 256GB इंटरनल की, तो इसकी जो प्राइस निकल के आई है वो 4999 योन निकल के आई है। अगर उसको हम इंडिया के प्राइस में कन्वर्ट करते हैं, उसकी प्राइस निकल के आई है आपकी 58 से 59,000 रुपीज में, आपको बीच में इंडिया में मिल जाएगा। और बात करते हैं हाईस्ट वेरियंट की, 12GB रैम 256GB इंटरनल की प्राइस निकल के आई है वो 5200 योन निकल के आई है। अगर उसको इंडिया में कन्वर्ट करके देखें तो इसकी जो प्राइस 62 से 63,000 के बीच में मिल जाएगा। वैसे जो फोन है ग्लोबली लॉन्च हो गया है, चाइना में आपको देने को मिलेगा, बाकी और भी कंट्रीज में आपको देने को मिलेगा, लेकिन पर्टिकुलर अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है और ये एक्सपेक्टेड है शायद ये आपको फरवरी में या फिर आपको मार्च में फोन देने को मिल जाएगा। वैसे मैं इंडिया में आएगा तो उसकी प्राइसिंग यही होगी, या फिर आपको थोड़ा सा 1-2,000 आपको कम देने को मिल जाएगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली प्राइस निकल के आई है 52 से 53,000 के बीच में निकल के आई बेस वेरिएंट, और ऐसे आपको हर वेरिएंट में आपको प्राइस अप डाउन देने को मिल जाएगा। खैर ये जो फोन की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा कमाल का ये फोन आपको देने को मिल जाता है। इसमें आपको कमाल की LTPO वाली एंड्रॉइड आपको डिस्प्ले को मिल जाती है। और बात करते हैं प्रोसेसर की, तो 8 Gen वाला कॉलकॉम सॉरी 8 Gen 1 प्रोसेसर इनको मिल जाता है। कैमरे की बात की हैसल बिल्ड वगैरह आपको इसमें भी लेंस इनको मिल जाता है, काफी कमाल की फोटो और वीडियो वगैरह क्लिक कर पाएंगे। ग्लास बैक इनको मिल जाती है, स्टीरियो स्पीकर आपको देने को मिल जाती है, IP68 की आपको रेटिंग देने को मिल जाती है। तो कुल मिला के ये जो फोन है काफी ज्यादा प्रीमियम आपको फोन देने को मिल जाता है। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन, अगर इंडिया में आते तो आप इस फोन को जरूर लीजिएगा, और ये जो फोन है आपको काफी हर मामले में आपको अच्छा इनको मिल जाएगा। 5G भी है, तो इंडिया में जब ये आएगा तो उसकी भी आपको वीडियो को मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।